Asalaamu as Alaikum, students. So, today we are going to study the 12th chapter of your textbook, The Season of the Plains. It's a poem by Shahid Ali, or popularly known as Aga Shahid Ali. And uh, he was born in 1947 in Srinagar and educated at uh, the University of Kashmir. And after that, uh, he went to Delhi for further studies. एंड आफ्टरवर्ड्स टू यू एस नाउ दिस पॉइंट द सीज़न ऑफ द प्लेन्स इज अबाउट हिज मदर उनकी जो माँ थी वो लखनऊ से थी और अब ये श्रीनगर में रहते थे तो इसमें ये मतलब जो पॉइंट है वो डिपेक्ट करना चाहता है कि हाओ हिज़ मदर फील्स किस तरह से वो अपने चाइल्ड हुड को याद करती है और Uh, उनकी जो एक्शंस है उससे वो हमें बताना चाहते हैं जताना चाहते हैं कि उनकी माँ अपने नेटिव प्लेस को कितना ज्यादा मिस करती है सो द पॉइम बिगेन्स लाइक दिस इन कश्मीर वेयर द ईयर हैज फोर क्लियर सीजन्स माई मदर स्पोक ऑफ अर चाइल्डहुड इन द प्लेन्स ऑफ लखनऊ एंड ऑफ दैट सीजन इन इट्सैल्फ द मूनसून वेन क्रिश्नाज फ्लूट इज हर्ड ऑन द shores ऑफ द जमुना She played old records of the Banaras tumri singers Siddheshwari and Rasulan. Their voices longing when their clouds gather for that invisible blue god. Separation can't be borne when the rains come. This every lyric says, while children run out into the alleys soaking their utter summer. Messages pass between lovers Hir and Ranja and others of legions their love forbidden, burned incense all night, waiting for answers. my mother hummed his lament, but never told me if she also burned sticks of jasmine that, dying, kept raising soft necks of ash. i imagined each neck leaning on the humid air. she only said the monsoons never cross the mountains into kashmir. सो so, इस पॉइंट में जो पॉइंट है वो कहता है कि जहां पे कश्मीर में चार सीजन होते हैं वी हैव फोर सीजन्स वी हैव स्प्रिंग वी विंटर सो दीज सीजन्स देर आर फोर क्लियर सीजनस तो ये कहता है कि मेरी माँ जो है वो हमेशा अपने बचपन के बारे में मतलब जिक्र करती रहती है कि आ, किस तरह से वो जो प्लेन्स ऑफ लखनऊ है जहां पे इसने अपना बचपन गुजारा है किस तरह से वो उसको मिस करती है और ज़्यादातर मानसून सीज़न जो बारिशों का सीज़न होता है उसको वो ज़्यादा मिस करती है जब जो लॉर्ड कृष्णा है इनके जो भगवान हैं किस तरह से जो लॉर्ड कृष्णा है उसकी जो बाँसुरी की आवाज़ जमुना के तट पर सुनाई देती है और वो क्या करती थी अब जब उसको याद आती थी अपने नेटिव प्लेस की तो वो कुछ ओल्ड रिकॉर्ड्स जो बनारसी ठुमरी सिंगर्स की है सिद्धेश्वरी और रसूलान वो सुनती थी ताकि अब वो उस चीज़ को कोपअप करने के लिए मतलब जो काफ़ी मिस करी थी अपने बचपन की यादों को तो उनकी जो आवाज़ें हैं या उनकी जो लिरिक्स है उसमें सिर्फ मतलब सेपरेशन जो है मतलब सेपरेशन के बारे में वो ज़्यादातर उनके जो मतलब जो बोल थे उन गानों के वो ज़्यादातर मतलब सेपरेशन के बारे में थे और जब बारिशें होती हैं तो ये जो दर्द है ये ज़्यादा उभर के आता है क्योंकि इसकी जो माँ है वो ज़्यादा मानसून सीजन को मतलब मिस करती है जब बारिशें वहाँ होती है और जब बारिशें होती है तो वो जो ये दर्द है जो सेपरेशन का जो ये दर्द है वो ज़्यादा अब उभर के सामने आता है और लिरिक्स भी वैसे ही होते हैं तो इसको ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है तो बारिशों के मौसम में जब बच्चे बाहर जाते हैं खुद को मतलब जानबूझ के भिगाते हैं ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके और बारिशों के सीज़न में ज़्यादातर जो मतलब प्रेमी होते हैं उनके बीच में मैसेजेस पास होते जैसे ही रांझा थे या अदर जो बाकी जो लीजेंड्स थे या वो या रोमियो जूलियट या ही रांझा सोनी महिवाल ऐसे कुछ जो जिनका जो मतलब प्यार था उनको मतलब ना पसंद किया गया उनको मिलने नहीं दिया जाता था उनका जो लव था दैट वाज़ फॉरबिडन मतलब उनको मतलब हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी या जो लोग हैं उन्होंने उनके इस फीलिंग को नापसंद किया तो इन ज़्यादातर ये जो मतलब बारिशों का सीज़न है इसमें जो 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 आपस में प्यार करते हैं जो लवर्स होते हैं उनकी मैसेजेस एक दूसरे तक कैसे पहुंचती थी और किस तरह से ये जो लवर्स थे जब इनको आपस में मिलने नहीं दिया जाता था तो पूरी रात भर ये अगरबत्तियाँ जला के एक दूसरे के जवाब का इंतजार करते थे तो ये कहता है कि मेरी जो माँ है वो भी हीर के कुछ ऐसे गाने गाती थी गुनगुनाती थी हीर के कुछ ऐसे नगमे गुनगुनाती थी तो लेकिन उसने मुझे ये कभी नहीं बताया क्या वो भी जैस्मिन स्टिक्स इंसेंस स्टिक्स जो अगरबत्ती है क्या वो भी जलाती थी मतलब जब उसको याद आती थी अपनी नेटिव प्लेस की क्या वो भी ऐसे कुछ अगरबत्ं जला के रात रात भर इंतजार करती थी कि कहीं से कोई आवाज़ आए कहीं से कोई मैसेज आए तो मुझे हमेशा ये दिमाग में रहता था कि वो भी उन अगरबत्तियों को जलते हुए देखती थी राख में तब्दील होते हुए और किसी मैसेज का किसी मतलब इसका किसी मैसेज का इंतजार किसी पैगाम का इंतज़ार करती थी तो खाली मतलब उसके मुंह से मैंने खाली यही एक चीज़ हमेशा सुनी है कि जो मानसून है जो लखनऊ के मानसून है वो कभी भी आ, कश्मीर में पर कश्मीर की पहाड़ियों को कश्मीर की पहाड़ियों को क्रॉस करके कश्मीर में दाखिल नहीं हुए तो ये कुछ मतलब इसकी मदर की जो फीलिंग्स है वो इसमें इसने जाहिर की है कि किस तरह से वो अपनी नेटिव प्लेस को मिस करती है और बहुत सारी चीजों के साथ इसने इस सेपरेशन को तजबी दी है